नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में कल्पना चावला की 61वीं जयंती पर महिलाओं का किया गया सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आज भारतीय मूल की प्रथम महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला की 61वीं जयंती पर आज रीवा में महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौर शामिल हुई। मीडिया को जानकारी देते हुए बीपी सिंह ने बताया कि कल्पना चावला की मूर्ति रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित की गई है और ये दिवस नारी सम्मान शक्ति चौपाल के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी पर आज कॉलेज में महिलाओं का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया है। आइए जानते हैं अध्यक्ष बीपी सिंह ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट। दुनिया की महान वैज्ञानिक कल्पना चावला की 61वीं जयंती जो आज मनाई जा रही है, क्योंकि इसके पूर्व 12 फरवरी को उनकी आदमकद प्रतिमा इसी परिसर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित है। यह दिवस नारी सम्मान शक्ति चौपाल के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, जो नारी है वो जगत जननी है, चाहे कृष्ण की माँ देवकी हों या गणेश की माँ पार्वती हों, उसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को भी वो स्थान मिले, उनमें वो जागरूकता हो। समाज में का अस्तित्व बिना महिला के नहीं है, तो इस कार्यक्रम में चाहे वो गृहिणी हों, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो अभियांत्रिकी क्षेत्र की हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे चिकित्सक हों, चाहे प्रोफेसर हों, सभी महिलाओं का, लगभग 80 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। चिकित्सक के क्षेत्र में हमारे बिंद क्षेत्र की जो सबसे वरिष्ठ प्रसूत रोग विशेषज्ञ गीता बनर्जी का आज सम्मान हो रहा है। डॉक्टर ज्योति सिंह जो बाल शिशु रोग के संबंध में है, अंजलि श्रीवास्तव जो शिक्षा के क्षेत्र में APS विश्वविद्यालय की धड़कन है उनका, ऐसी तमाम महिलाओं का जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है इस बिंद धरती का, उन सभी का आज सम्मान है। और सम्मान का उद्देश्य सिर्फ ये भाव प्रकट करना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वो ऊंचाइयों में पहुंचना चाहती हैं और उनमें जागरूकता और शिक्षा और सकारात्मक विचार की आवश्यकता है। वो आप सब लोगों के सहयोग से पूरा होगा।